नमस्कार दोस्तों, आज हम हेयर कंपनी का रेफ्रिजरेटर का अनबॉक्सिंग करते हैं और इसका फीचर के बारे में जानते हैं क्या क्या फीचर है। सबसे पहले इसको हम खोल के बाहर कर लेते हैं कार्टून से, उसके बाद हम आगे का फीचर इसमें दिखाएंगे क्या क्या दिया हुआ है। पैकिंग इसमें बहुत ही शानदार किया हुआ है, जो साइड से थर्मोकोल होता है वो लगाया हुआ है, दूसरी साइड से भी थर्मोकोल लगाया हुआ है, आगे से स्क्रेचेज ना पड़े इसके लिए भी एक थर्मोकोल लगाया हुआ है। ठीक है, हम थर्मोकोल को रिमूव कर दिए हैं। उसके बाद इसमें एक ऊपर से पन्नी लगा हुआ है, उसको हम उतार देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इसका डिज़ाइन कैसा है। इसका कलर ही बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है, बहुत ही अच्छा है। इस कलर को हम ब्लू कलर ही बोल सकते हैं, और ब्लू कलर ही है ये। ये 5-स्टार रेफ्रिजरेटर है, जिसमें एक अंदर में थर्मोकोल दिया हुआ है। ठीक है, उसको हम बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के बाद इसमें तो जो ऊपर का जो रहता है टफेन ग्लास, वो थोड़ा खुला हुआ पाया गया। ठीक है, उसको हम थोड़ा अच्छे से एडजस्ट कर देते हैं। ये 5-स्टार रेफ्रिजरेटर है हेयर कंपनी का, जो वर्ल्ड्स नंबर 1 ब्रांड है। बहुत ही अच्छा रेफ्रिजरेटर है ये, 2023 का नया मॉडल ही लॉन्च हुआ है। सबसे ऊपर में है ये, इसका फ्रीजर है, बहुत ही अच्छा फ्रीजर है। उसके बाद नीचे का टफिन ग्लास शानदार दिया हुआ है, 1, 2, 3, 4 टफिन ग्लास है। उसके बाद एक बैग थैली में इसमें की रखी हुई रहती है, और एक मैनुअल गाइड रखा हुआ था जिसके बारे में पढ़ते हैं। ये आइस ट्रे हो गया, अगर मतलब इसमें आप पानी रख के उसके बाद इसमें फ्रीजर में अगर रखेंगे आप, तो ये ठंडा तुरंत ही आइस, मतलब एक घंटे के अंदर आइस बन जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लॉक करके देखते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से लॉक हो जाता है। क्या होता है कि अदर ब्रांड में होता क्या, ये जो की दिया हुआ है, ये की में वो प्लास्टिक का की रहता है, ये इसमें प्लास्टिक का की नहीं है। सबसे अच्छा की है ये, कि प्लास्टिक का नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम खोल के पूरे डोर को हम देखते हैं। उसके बाद इसमें कूलिंग के लिए है, कि अदर फ्रिज जो भी कंपनी का आता है उसमें 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे कुछ लिखा हुआ आता है। इसमें क्या है कि जो मौसम आता है ना, वो मौसम के अनुसार इसमें लिखा हुआ है, मानसून आ रहा है, विंटर आ रहा है, जो मौसम चल रहा है उस मौसम के अनुसार उसमें आप ये वहाँ पे नॉब को घुमा के रख दीजिए, और शानदार तरीके से वो होता रहेगा। सबसे नीचे हम देख लेते हैं कि जो आइटम है, जो भी सामान आपको रखना है फ्रिज में, जो आइटम फ्रिज में रखने वाला नहीं है वो आइटम आप नीचे में रख सकते हैं। ठीक है, उसके लिए नीचे में एक ड्रॉ दिया हुआ है। उसके बाद बैग में इसका देखते हैं, तो बैग इसका पूरे क्लीन है। ठीक है, और इसको साफ सफाई अगर कभी करते हैं तो अच्छे से हो जाता है। नीचे में लगा हुआ है इसका ये मॉडल नंबर भी लिखा हुआ रहता है, और सीरियल नंबर भी लिखा हुआ रहता है। ठीक है, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। कंप्रेसर का इधर साइड में भी मॉडल नंबर लिखा हुआ रहता है। ये कंप्रेसर का वारंटी इसमें आपको 10 साल के लिए मिलेगा, कंपनी की तरफ से कंप्रेसर का वारंटी 10 साल मिलेगा। ठीक है, ये बहुत ही खूबसूरत मॉडल है, 5-स्टार रेफ्रिजरेटर है। उसके बाद इसको हम बैक क्लीन बार बार हमें अच्छे देखने के लिए मिलता है। बैक क्लीन बहुत ही अच्छा प्यारा लग रहा है, क्योंकि इस प्राइस में बैक क्लीन इतना किसी कंपनी का नहीं आता है। ठीक है, आता है 3-स्टार में आता है, लेकिन 5-स्टार में नहीं आता है। ठीक है, उसके बाद नीचे में इसका प्लगिंग वाला वायर हम निकाल कर देख रहे हैं। उसके बाद हम चेक करेंगे इसका कूलिंग कैसा है, कूलिंग अच्छा आ रहा है, कैसा आ रहा है, कितना देर में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, सारा चीज़ हम अभी हम चेक करेंगे। ठीक है, इसको वायर को हम खोलते हैं, उसके बाद हम देखेंगे इसका कूलिंग कैसा है। ठीक है, तब तक आप लोग दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। ठीक है, तो इसका बॉक्स पर भी एक टोल फ्री नंबर दिया हुआ रहता है इसमें, और एक स्टिकर भी और लगा हुआ जिसमें इसमें टोल फ्री नंबर दिया हुआ रहता है। ठीक है, इसको हम प्लगिंग कर देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इसका फ्रिज में लाइन आता है कि नहीं, लाइट आता है कि नहीं आता है। उसके बाद इसको डोर को ओपन करते हैं, ओपन करते ही इसमें एक लाइट लगी हुई रहती है, जिसे ओपन करते ही लाइट जल जाती है। ठीक है, वो साइड में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, को इसमें एक वाइट कलर का
लाइट एलईडी बल्ब लगा हुआ है। जैसे आप इसको डोर को बंद करेंगे तो वो लाइट बंद हो जाएगा, जैसे आप इस डोर को आप ओपन करेंगे तो वो लाइट जल जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसका टफन ग्लास बहुत ही अच्छा है, इसमें साइड में साइड बाय साइड हमने देखा, बहुत ही अच्छा है, प्यारा लुक है, बहुत ही शानदार डिज़ाइन है, ठीक है। और इसका अभी तक का हेयर कंपनी का 2023 मॉडल का सबसे बेहतरीन इस सेगमेंट का रेफ्रिजरेटर है, ठीक है। उसके बाद इसको कूलिंग हम देख लेते हैं, कूलिंग हो रहा कि नहीं हो रहा, तो हमने देख लिया कि इसका कूलिंग हो रहा है, मतलब अच्छा है, ठीक है। इसका है क्या, हेयर कंपनी का है, 1 घंटे के अंदर अंदर आपका जो आपने अगर आइस ट्रे में अगर वाटर डाल के अंदर रखा आपने, तो 1 घंटे के अंदर अंदर वो आइस बना देगा, ठीक है। इसका लुक तो गजब का ही है दोस्त। तो हमें बार बार इसका बैक क्लीन देखने में अच्छा लग रहा है, क्योंकि इतना बेहतरीन बैक डिज़ाइन इस सेगमेंट में शायद ही कोई कंपनी देता है। लेकर ये लगभग आपको 17,000-17,500 रुपये का 190 लीटर 195 लीटर का रेफ्रिजरेटर मिल जाता है, ठीक है। और हेयर कंपनी जाना माना, आज का कंपनी नहीं, काफ़ी दिनों से ये कंपनी है जो डीप फ्रीजर भी बनाती है, सिंगल डोर भी बनाती है, डबल डोर भी बनाती है। ये इसमें ग्लास लगा हुआ, ठीक है, बहुत ही अच्छा प्यारा लुक दिया हुआ है। इसमें नॉब भी अच्छा है, ठीक है। फ्रीजर का स्पेस भी इसमें बहुत ज़्यादा है, मानसून है, विंटर है, नीचे में ऑफ़ करने का है, वो सही से आप पूरे देख पाएंगे कि इसमें मौसम के अनुसार उसमें दिया हुआ है कि जो मौसम अभी है, ठीक है, विंटर है, मानसून है, बरसात का टाइम है, जिस टाइम जैसा मौसम रहेगा वैसा आप इसको नॉब को घुमा के कर दें, उसके बाद वैसा कूलिंग देता हुआ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कूलिंग हम लोगों ने चेक कर लिया कि कूलिंग बहुत ही बढ़िया है, बढ़िया दे रहा है और बढ़िया इसका कूलिंग है, ठीक है।